हेलो दोस्तों, आप अगर एयरटेल का कस्टमर है और एयरटेल थैंक्स ऐप को आप इस्तेमाल करके आ रहे हैं, ऐसे में अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप को इस्तेमाल करके कोई रिचार्ज बिल पेमेंट करते हैं और उसका रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम एयरटेल थैंक्स ऐप में चला जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया है और यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन हो जाएगा आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को। जैसे पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा सॉर्ट कार्ड के अंदर रिचार्ज पे बिल्स। तो यहाँ पे हम रिचार्ज के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे रिचार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ रिचार्ज जो हम रिसेंटली किया था तो यहाँ पे दिखाई देता है। अभी हम फिर क्लिक कर देंगे जहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज में आ जाएंगे जहाँ पे रिचार्जेस एंड बिल्स और दूसरा यूटिलिटीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया यूटिलिटीज में आता है। तो इनमें से जिसमें आपने रिचार्ज किया था या पेमेंट किया था वो चेक करने के लिए इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को चूज कीजिए। हम यहाँ पे रिचार्ज एंड बिल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे जितने भी रिसेंटली हमने रिचार्ज करके रखा था वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले वाला जो रिचार्ज है उसका ही हमारे को रिसिप्ट डाउनलोड करना है, तो इसलिए उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है पेमेंट सक्सेसफुल, मतलब पेमेंट सक्सेसफुल हुआ था और आपका ट्रांजेक्शन आईडी ये है और रिचार्ज कौन सा मोबाइल नंबर में किया गया था, ये अलग मोबाइल नंबर में हमने रिचार्ज किया था। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे एक शेयर ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे शेयर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक प्रिंट वाला ऑप्शन मिलेगा, या तो आप किसी भी एक सोशल मीडिया का माध्यम से आप शेयर कीजिए इसे। जैसे हम व्हाट्सएप में हमारा ही परिवार का किसी लोगों के व्हाट्सएप में इसे सेंड कर देंगे और बाद में वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका, आपको अगर इसे प्रिंट का ऑप्शन मिले उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो रिसिप्ट है ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर दिखाई देगा और ऊपर दिखाई दे रहा है सेव एस PDF, क्योंकि हम यहाँ पर PDF में सेव करना चाहते हैं तो सेव एस PDF ऑप्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक डाउनलोड का बटन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। डाउनलोड का बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये हमारे को अपना डिवाइस का डाउनलोड वाला जो फोल्डर है वहाँ पे लेके आएगा और आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड फाइल ये नाम दिया हुआ है, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड होने वाला है। लेकिन हम इस नाम को थोड़ा चेंज कर देंगे, जैसे हम एयरटेल रिसिप्ट लिखा हूँ, और फिर सेव कर देंगे और आपका डिवाइस में वो सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से आप भी अगर एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके किसी का रिचार्ज वगैरह बिल पेमेंट वगैरह किया था और उसका जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, कैसे आप एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके जो बिल पेमेंट रिचार्ज का रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए। नमस्कार।